दीवाली दीरा दीवाली दीरा दीवे बालियन दीवे बालियन दीवे बालियन दीवाली दीरा दीवाली दीरा दीवे बालियन दीवे बालियन दीवे बालियन दीवाली दीरा तारे जात सुनात अंबर जो थोड़ी आदत पै गई पढ़ते दफा करते हैं गुरु घर पर समझते बहुत घट गए असि की पढ़ रहे उपनिषद बड़े बड़े लोगों ने वेद बड़े बड़े लोगों ने पर पढ़ पढ़ के छड़ी गए पढ़ने के नाल समझो नहीं समझोगा अध्यापकों पूछो अध्यापक नहीं समझा किसी होर बंदे पूछो सिर खाओ जिद थोड़ा पढ़िया समझ आ गया आईएस बन गए थोड़े को आईपीएस बन गए थोड़े को ऑफिसर बन गए नहीं तो पढ़ पढ़ के असं क्लासा पास कर लेंगे रटा ला के क्लासा पास कर लेंगे दूजे स्टेप पर असं जावे नहीं मैं देखा तुम कि मेहनत का पोस्टर बनाए हुए कि खूबसूरत पवित्र टुका उसे लिखिया हुआ है चार भी समझ लो एक गल मेरे नाल कह रहा है परी कहानी सुना रहा है मेरे जीवन के जी लाइट है रोशनी सारे पंजाब 67 के नेड़े 1967-68 के नेड़े आई है जो 10-11 साल की उम्र असि सचमुच दीवियां लालटना की रोशनी च पड़े हैं जिहड़ा दीवा जी दस्सिया ना असीं तां सुणे ज्ञान का प्रतीक है रोशनी का प्रतीक है इन्हें सचमुच करोड़ों लोगों को जिहड़े उस समय दे जां उस समय तो पहला दीवे की रोशनी की उन्होंने अंदर दीवे जगाए ते साडे मन च दीवे जगदे ने असीं कदे नहीं भुल्ले जिम्मे गुरु साहबान चंगे ने साडे दसवीं के स्कूल के भी मैं गल सुना रहा असी कुपड़ च बहुत इंटेलीजेंट नहीं सके बिल्कुल नहीं सधारण बच्चे से असि साढ़े दसवीं की एक मड़ी का दीवा नावल लगे आता से शायद तुम ना सुनया होगा किसी ने तो टीचर साहबान ने सरदार गुरदयाल सिंह का लिया उस मड़ी के दीवे के उत्ते पूरे उसके मथे के किताब से एक तुक दो तुका लिखी हुई मैं गल करके समझना बहुत जरूरी है दो तुका की सी कि बंदियां तेरियां दस बेहियां इको गई विआह नौ किधर गई वो अध्यापक बड़ा सिरड़ी सी वह कहता भी जिनी देर दो लाइना के अर्थ सन नहीं समझे मैं नावल नहीं पढ़ा अपने दादियां ने पूछो अपने मामा ने पूछो अपने बजुर्गों ने पूछो पिंड के किसी ताने सियाने से पूछो कि अर्थ की
छे महीने लागे वाकई भी लाभ सरकार है। असल टूटे टूटे अर्थ किसी ने पूछ पछ के जीवन दस कदमों च बंडिया गया है, दस पड़ावों च बंडिया गया है। गुरु ग्रंथ साहब के दस पड़ावों का जिक्र आंदा है, थोड़ा जन्म है, थोड़ा बचपन है, फिर जवानी है, फिर हो जवानी है, फिर अद घड़ा है, फिर बुढ़ापा है, फिर अखीर भी। सो दो लहिया जो असि समझ गए सू लाभ बढ़ने की लड़ नहीं पी है, पर साढ़े इतिहास ने उदो तीक अगे कदम हो चुके हैं जिन्नी देर सू दो लहिया के अर्थ चले उन्ने जाए। सो जेड़ा जा पढ़ाई के नाल तुहानू चंगी तरह समझा देता है, तुसीं समझ गए हो कोई अपनी प्राइमरी की क्लास लगी किताब, कोई छेवीं कोई दसवीं कोई प्लस टू, समझना अत जरूरी है पढ़ाई के नाल। सो तुसीं बहुत वधिया प्रबंध किया, बहुत वधिया डेकोरेशन जिन्हें असीं सजावट कह दें, क्योंकि साडी जिंदगी दे विच सोहने लगना, सोहने बनना, फबके रहना, भावें घर हैं साडे, भावें अपना आप है, साडा आला दुआला है, एक अदरा कीमता असीं विगत अदारियां चों सिख के घर च अपलाई करते हैं। सो अज दे दिहाड़े का एक खास महत्व है कि तुसीं सारी जिंदगी अपने आप को सुचा सोहना बना के रखो, सोहे कपड़े पा के सोहना बन जाना नहीं हूं, सोहना बन देता थोड़े विचार थोड़े ख्याल तुम की सोचते हो, तुम की सोचते हो, वो थोड़ा अंदरला थोड़ी अंदरली सुंदरता होती है। सो जिन्हां अध्यापक साहबान ने इस सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, तुहानू इत्थे बिठाया है, क्योंकि यही अदारा है जिहड़ा तुहानू ज्ञान बख्शूगा, जो तुसीं स्कूल कहने हो, जिहनू तुसीं कॉलेज कहने हो, जो तुसीं यूनिवर्सिटियां कहने हो, बाकी तुहानू किते कोई चीज नहीं मिलेगी। ताहीं असीं ज्ञान का मंदिर कहने हो, और ज्ञान के मंदिर के विच दीवे जगने ते उही दीवे तुहाडे मन च जगने। अज का सुनेहा कह लो, बेनती कह लो, जोगड़ी कह लो कि पढ़ने के नाल नाल समझना बहुत जरूरी है। जब यूनिवर्सिटी आए उसे एक गुरु टक्कर गया सानू, उही गल मैं कह रहा कि एक अध्यापक का कितना असर होता थोड़े पर। मैं दो अध्यापक का जिक्र करता थोड़े को, वो कहना हूं सी तुम एमए के विद्यार्थी हो कि कोई भी चीज पढ़नी है पहले समझ लो आपका। जब असं वे हो गए थे सन तीजी गल जोर कि पहला पढ़ो फिर समझो फिर अपनी समझ तीजे बंदे शेयर करो, जदों तक तीजी गल भी समझ आ गई ना फिर असं वे बन जाओगे। चौथी गल छोटी जी और निकी जी जी गल कि जड़िया थोड़िया फोटो खिंचिया जाए स्कूल जेडे पल होंगे थोड़े फंक्शन के पल तो जिंदगी च मुड़ के नहीं लगने, कोई कॉलेज आ जाओ, यूनिवर्सिटी आ जाओ, तुम ये फोटोग्राफ जिन्हें चे पल कैद हुए थोन जीवन च नहीं लगने, फोटोग्राफ नाल लैके भी जाए तो शरीर स्कूल की याद थोड़िया मैमरीज दियाड़िया यादा का वो हिस्सा बन जाऊंगी। सो बहुत बहुत मुबारक दिवाली दिया भी और अब फंक्शन दिया भी, और जिन्होंने मेहनत की और जिन्होंने कराई उन्होंने सारे का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन बच्चों के बीच
ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗੁਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਬਦਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛਾਪੀ ਆ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੰਗਲ ਕਿਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ 50-60 ਡੰਡੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਡੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ 50-60 ਡੰਡੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਨਿਆਣੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਮਨੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ 6ਵੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਤੇ ਰਹੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 50-60 ਡੰਡੇ ਉਹਦੇ ਲਾਏ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਕਾਈਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਟਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ UNO ਵਗੈਰਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਆ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਆ ਨਕਮਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਕਤ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
जे ओनू पत्या लीए प्यार समझा दीए तो हो सकता है वो जिंदगी दे विच कुछ ना कुछ बन जाए, इस अहुदे ते भी पहुंच जाए। तो चलो मैं बहुता समा नहीं लैना क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ, तो एक मैं बेनती खाली बच्चे ने जरूर करनी है कि कोशिश करो जहां तक पटाके चलाए ना तो चंगी गल आ, जे नहीं रह हुंदा तो माड़े मोटे चला लो, कोई चंगी चीज जी पैसे ले लो ओद खरीद लो अपने को, कुछ कोई पेन वधिया ले लो जी चीज तुम डेयरी चंगी लगे डेयरी चंगी चीज ले लो। मैं पेन रखा सी मैं और ले लो पेन वधिया, यह इंग्लैंड की जी सब तो महंगी दुकान है ना इंग्लैंड सब तो बढ़िया बढ़िया शॉपा जितने राजे महाराजे आके खरीद करते हैं कि उतों मैंने किसी ने खरीद के दिता तोहफा दिता है इन्हें तो मैं को रखा होर भी लोग कहीं बदले बदले करने मैंने शौक है मैं शौक अपना पाया हुआ तुम भी रख लो इतना चंगा शौक पालो हम तकड़े शौक जे जो राजे महाराजा वाले शौक होंगे वो शौक पालो हम तुम्हें जो जमीन वाले शौक पाल दो ना पालो तुम भी पालो, इस करके जाम पटाके चलाओ ना मेरी बेनती है जो चलाने भी आ बिल्कुल नहीं रह हम तो घट कर लो, जो 100 रुपये चलाने पच्चीस तीस रुपये चला लो, वो जो पैसे आसे चंगे पास वरत लो होर पास ला लो, इना जरूर कर करो। अंत में मैं प्रिंसीपल डॉक्टर जसपाल सिंह होर गरीब सिंह होर ढे सारे स्टाफ का आनंद राय होर खास तौर पर बच्चे आए हैं खास तौर पर धन्यवाद करना जो तुम सारे बच्चे ने क्योंकि कई बच्चे घर बैठे रहे उस बच्चे जब क्लास में भी मुबारकबाद खास तौर पर वो देनी बनती है, पर दूजे बच्चे जो आप ही गल समझो कि असं कोई अपने पिछे रह गए तो वह सारे बच्चों सारे जो देने दिन आए हैं सारे एक एक आपको फोटो आप खिंचा गए कुछ फोटो जो आप मैगजीन हम तकरीबन महीने स्पीक रही है उतने मैं प्रिंसिपल साहब को बुलाया तो भी जो मैगजीन के आप ला देंगे फोटो तो सारे बच्चों का ताे अध्यापक का मुख्य मेहमान का आने के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम अगला प्रोग्राम मेरे सरदार जी से दस दिया मेहरबानी। छोटे मोटे जेके फिर मतलब इन्होंने बैठ के जजमेंट की लास्ट जाके सामू थोड़ा जा असी डिसीजन लिया नतीजा लगे बोलन पहला जो फर्स्ट जरा आया बोलो भी कौन हाँ फर्स्ट है नाइन्थ क्लास प्लस वन क्लास अपने इंचार्ज है श्री इंद्र कुमार जी दसवीं के इंचार्ज है श्रीमती विद्या देवी बहुत ही बहुत वजह दिखा दी बच्चे ने भी और खान पहुंचा थैंक यू। तारे जात सुना